इंडियन क्रिकेट टीम की एक ऐसी फैन जिसने पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा दिया और हो रही है हर जगह वायरल, लेकिन इनका नाम क्या है? वरुण धवन की भेड़िया फिल्म के VFX का एक ऐसा फैक्ट जो कोई नहीं जानता। और मुंबई के इस घर में हर दिन सोना चोरी हो रहा है, फिर जो पता चला उस पर आपको विश्वास नहीं होगा। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, भारत को दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियों का देश कहा जाता है। उन्हीं में से एक है अलीशा नाइक, जो अमेरिका में रहते हुए भी इंडियन क्रिकेट टीम की बहुत बड़ी फैन है और इस वर्ल्ड कप में इंडिया को सपोर्ट करने के लिए उन्हें फोटोज और वीडियोज भी शूट किए हैं। अलीशा अचानक से तब वायरल हुई जब इंडिया के मीम पेजेस ने इनकी फोटोज शेयर करना शुरू किया। फिर क्या था, इंडिया के लोगों ने इतना फॉलो किया कि अलीशा के इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स रातों रात बढ़ने लगे और आज अलीशा के इंस्टाग्राम में 3 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स है। अलीशा पेशे से प्रॉपर्टी डीलर का काम करती है और उनका सपना है कि एक दिन इंडिया आकर इंडिया अच्छे से घूमना है। आपका इनके बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाली से हो रहा था बोर तो नजर घुमाया सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान की ओर, और अब वहाँ घोड़े से जाइए या कार से जाइए, या तो भैया कतई फिसलते फिसलते पटका जाइए, पर पानी तो दूर दूर तक कतई नहीं मिलेगा और खोजने पर भी ये कौन सा पत्थर है। ओके, तो सूत्रों से ये पता चला है कि इस पत्थर का नाम ऑल मसला है, जो 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। उस समय इतना परफेक्ट पतला सा कौन काट दिया भाई। आसपास के लोगों ने हमें कहानी सुनाया कि एक चिरकुट एलियन आया था, पर उसको निशानी छोड़ने के लिए कुछ मिला नहीं, तो भैया पत्थरी को देख के बोला ले भैया ओम फो, बोले तो पत्थरी को काट चला गया। पर हाँ, साइंटिस्ट इस बात को नहीं मानती है। और वैसे इंसान रूपी एलियन तो भाई मैं इन लोगों को बोलता हूँ, भाई साहब जो बंदा 500 किलो से भी ज्यादा उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे भाई, वो जबरदस्त है। और वैसे उठाने वाले को ज्यादा टेंशन होता है ना, बैठ के देखने वाले को नहीं ना, तो भाई देखो। हाल ही में आई आदि पुरुष फिल्म के मेकर्स को उसके घटिया VFX के लिए काफी खरी खोटी सुनाई गई, पर अब एक बार फिर आदि पुरुष ट्रोल्स का शिकार हो गई है। पर आखिर क्यों, चलिए आज हम आपको बताते हैं। हाल ही में वरुण धवन स्टारर फिल्म भेड़िया का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें काफी शानदार VFX इस्तेमाल किए गए हैं। भेड़िया का बजट 100 करोड़ बताया जा रहा है, और जैसे ही ये बात लोगों को पता चली, लोगों ने एक बार फिर आदि पुरुष के मेकर्स को घेर लिया। लोगों का कहना है कि अगर आदि पुरुष के मेकर्स दिमाग का सही इस्तेमाल करते तो 500 करोड़ के बजट में बनी उनकी फिल्म का VFX 100 करोड़ की भेड़िया फिल्म के VFX से काफी बेहतर हो सकता था। आपको बता दें कि भेड़िया 25 नवंबर को रिलीज होगी, जिसे हिंदी समेत कई और भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। जब ये परिवार अपनी दादी की अस्थियां वहां डालने जाता है जहां दादी हमेशा रहना चाहती थी, तो अचानक अस्थियों से पानी में कुछ लिखाने लगता है, आई दिल यू, मतलब आई लव यू, और सब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं पालतू जानवर पे, कि लोग पता नहीं आजकल क्या क्या पाल ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ मगरमच्छ और यहाँ टैरेंटुरा मकड़ी। ओ, अभी लंच टाइम हो गया इसका तो, अरे गजब कैसे ये पकड़ पकड़ के खा रहा है। और मैं बता दूं, कुछ मकड़ियां ना कतई जहरीली होती है, और भाई क्या सीन होता होगा जब उसका वीडियो रिकॉर्ड होता होगा, तो चार कैमरामैन को लुड़काने वाली हट बड़ की मकड़ी, तेज दौड़ और कूद फांग भी सकती है। फैक्ट नंबर 8, खाने में जब तक मसाले ना हो खाने का मजा ही नहीं आता। पर क्या आप जानते हैं कि स्पेस में मसाले इस्तेमाल करने पर बैन है, पर आखिर क्यों, चलिए आज हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेस में ग्रेविटी 0 होती है, ऐसे में अगर स्पेस में मसाले इस्तेमाल किए जाएंगे तो मसाले के पार्टिकल्स हवा में फ्लोट करने लगेंगे और स्पेस स्टेशन की मशीन और वहां रह रहे एस्ट्रोनॉट्स के लिए खतरा बन जाएंगे। ऐसा ना हो इसके लिए मसालों को स्पेस में बैन किया हुआ है। हालांकि स्पेस में खाने में मसाला इस्तेमाल होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, अक्सर शादी करवाने के बाद मैरिज ब्यूरो का काम खत्म हो जाता है, पर चाइना के कई मैरिज ब्यूरो एक ऐसी पॉलिसी के साथ आगे आए हैं कि उनके क्लाइंट्स काफी स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या पॉलिसी है, चलिए आज हम आपको बताते हैं। चाइना के कई मैरिज ब्यूरो का कहना है कि अगर उनके यहाँ से किसी व्यक्ति की शादी होती है और उसकी बीवी किसी कारण से उन्हें छोड़कर चली जाती है, तो मैरिज ब्यूरो उनके एक नई और खूबसूरत बीवी ला कर देंगे, और वो भी बिना किसी खर्च के। अब मैं तो चला चाइना, आप में से किस किस को चाइना के मैरिज ब्यूरो की मदद चाहिए कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6, आजकल के टाइम में लाइफ ऐसी हो चुकी है कि डिप्रेशन स्ट्रेस एंजाइटी डेली रूटीन का एक हिस्सा बन चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आप इन सभी चीजों से सिर्फ 5 मिनट में छुटकारा पा सकते हैं। कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। हाल ही में हुई कई स्टडीज से ये बात प्रूव हो चुकी है कि अगर आप बर्फ और पानी से भरे एक बाउल में अपने हाथों को लगातार 3-4 मिनट तक डुबा कर रखेंगे तो आपका स्ट्रेस एंजाइटी सब पूर हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे साथ हीट और कोल्ड को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे में जब हम अपने हाथों को बिल्कुल चिल्ड बाउल में डालते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और दिमाग काफी ज्यादा शांत हो जाता है, जिसके चलते दिमाग का फोकस ओवरथिंकिंग से हटकर काम की जगह चला जाता है। आज आप भी ये नुस्खा ट्राई करना और रिजल्ट कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। वीडियो के एंड में सोचने की कोशिश कीजिए कि भाई क्या होगा। ओके, यहाँ पे एक लड़की मस्त स्किपिंग कर रही है, भाई क्या हो सकता है यहाँ पे। अरे वाह, ये वीडियो कसम से आज का दिन बना दिया। ओ भाई, ओके, गिटार के स्ट्रिंग काटने में कैसा आवाज आता है। ओके, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे ये काटने के लिए गया, अरे प्रैंक हो गया भाई। ये अब तक का देखा हुआ सबसे यूनिक प्रैंक है, चलिए देखते हैं कैसा प्रैंक है। ये तो मुर्गा बनने वाला स्टेप है ना, पोजीशन। अच्छा, ये बैठ गया है और ये उठाया अब पेड़ में।
डायरेक्ट पे में ओ भाई लॉक ये लॉक हो गया ये हिल नहीं सकता है भाई फंसा बोले तो हिल तो सकता है बट उसके बाद अच्छा कॉकरोच पकड़ने का बेस्ट तरीका ओके यहाँ पेपर फाड़ा है और ये पानी में डुबाया और ये नंबर 5 आपने आज तक गिरगिट को तो रंग बदलते देखा होगा पर क्या कभी आपने किसी स्वेटर को रंग बदलते देखा है चलिए आज हम आपको दिखाते हैं हम बात कर रहे हैं आइस निट नाम की इस स्वेटर की इस स्वेटर की बाहरी लेयर को बनाया गया है थर्मो सेंसिटिव यान से वहीं इसके अंदर वाली लेयर को बनाया गया है प्योर ऊन से जिसके चलते जब भी बाहर टेम्परेचर बदलता है ये स्वेटर भी कुछ इस तरीके से रंग बदल लेता है इस स्वेटर को डिजाइन किया है इरिश कंपनी स्टोन आईलैंड से जो जल्दी मार्केट में अवेलेबल होगी फैक्ट नंबर 4 आपने अगर कभी एक साल से छोटा हाथी का बच्चा देखा है तो आपने देखा होगा कि उसकी सूंड कुछ इस तरीके से मूव करती है पर आखिर हाथी के बच्चों की सूंड ऐसा क्यों करती है चलिए आज हम आपको बताते हैं एक व्यस्क हाथी को पता होता है कि उसे अपनी सूंड को कब कैसे और किस काम के लिए इस्तेमाल करना है और वो उसका उसी हिसाब से इस्तेमाल करता है पर एक साल से छोटे हाथी का उसकी सूंड पर कोई कंट्रोल नहीं होता वो एक साल होने के बाद अपनी सूंड पर काबू करना और उसका इस्तेमाल करना सीख पाता है और तब तक उसकी सूंड उनके लिए महज एक खिलौना होती है जिसके साथ वो अक्सर ऐसा करते देखे जाते हैं फैक्ट नंबर 3 आपने अक्सर कई बुद्धिजीवियों को ये कहते सुना होगा कि कैप पहनने से गंजापन आता है पर क्या असल में ऐसा होता है चलिए आज हम आपको बताते हैं टाइट कैप पहनने से बाल झड़ सकते हैं पर बाल झड़ना एक आम बात है बाल झड़ना प्रॉब्लम तब बनता है जब आपके बालों की ग्रोथ स्लो या ना के बराबर हो लेकिन अगर आपके बाल तेजी से ग्रो होते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है साथ ही कई स्टडीज में ये भी प्रूव हो चुका है कि अगर आप ज्यादा पॉल्यूशन या धूल मिट्टी वाले इलाकों में कैप पहनते हैं तो आपके बाल डैमेज होने से बच जाते हैं इसलिए अगर अब कोई ज्ञानी आपको कैप पहनने से रोके तो उसे ये वीडियो जरूर दिखा देना और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है आपको मिलते हैं 3 कुछ लोगों का काम ऐसा होता है ना जो उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता जैसे यहाँ क्या लग रहा है ये ग्लास का रॉड और ग्लास जुड़ा हुआ है तो चलिए देखते हैं यहाँ इस बंदे के पास पेन पेंसिल कुछ नहीं था बट कोई नहीं ये पेपर की ही मदद से आर्ट बना रहा है और वो भी क्या शानदार लग रहा है चलो अब पेंसिल मिल गया बट ये क्या एक बार में तीन तीन आर्ट भाई साहब ये कैसे अलग अलग आर्ट एक ही टाइम में ड्रॉ हो जा रहा है भाई इस पर तो बोलना पड़ेगा गजब अच्छा खासा जिम वाले को भी ये उठाने में वाट लग जाता है और इसीलिए मानना पड़ेगा कि ये बंदा तो कतई स्ट्रांग है अगर इसका एक पॉइंट भी एक हाथ से लग गया ना तो बाबू खत्म और यहाँ दो पैरों का लोलो डायल भाई क्या क्या टांग लिया है वो गर्दन में भी माला बना के टांगा है ओ भाई फैक्ट नंबर 2 क्या हो अगर आप किसी बस स्टैंड पर खड़े हो और आपके बगल में लगी स्क्रीन पर एक ऐसा इल्यूजन आपको दिखाई दे जिसमें आपकी तरफ एक आग का गोला उड़ता हुआ आ रहा हो तो क्या होगा जाहिर सी बात है आप काफी डर जाएंगे हाल ही में एक ऐसी ही स्क्रीन को लगाया गया लंदन के एक बस स्टॉप पर ग्रैंड विजुअल नाम की एक कंपनी ने ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस डेवलप किया जिसमें रियलिटी को इल्यूजन के साथ मिलाकर रियल वर्ल्ड में फिल्मों वाली दुनिया क्रिएट की गई है ये कितना शानदार 3D एक्सपीरियंस है इसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं फैक्ट नंबर 1 आपने आज तक चोरी के बड़े मामले सुने होंगे पर आज हम आपको चोरी का एक ऐसा मामला सुनाएंगे जहाँ खुद पुलिस को विक्टिम को FIR करने के लिए कन्वेंस करना पड़ा मामला है बायकुला का बायकुला में रहने वाले एक मैसगांव बिजनेसमैन के घर से धीरे धीरे गहने और कैश चोरी हो रहा था पर वो मानने को तैयार नहीं था कि ये चोरी कोई चोर कर रहा है उसे लग रहा था कि कोई जिन ऐसा कर रहा है पर एक दिन उसके घर से लगभग 14 लाख के गहने और कैश गायब हो गए जिसके बाद वो पुलिस के पास गया और मामले की जाँच करने को कहा पर FIR नहीं लिखाई इसके बाद पुलिस ने उससे काफी रिक्वेस्ट करके FIR लिखाई और जाँच करना शुरू किया जाँच में पता चला कि बिजनेसमैन की बहन की 12 साल की बेटी जो उसके पास ही रह रही थी इन चोरियों को अंजाम दे रही थी क्योंकि उसे उसका कजन और उसके दोस्त ऐसा करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे मतलब ऐसा भी क्या अंधविश्वास कि चोरी चोर ने की यही मानने से इनकार कर दिया दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया।